श्री गुरु का श्री गोपाल जयंती समारोह का आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र प्रारंभ से ही पूज्य महापुरुषों के आशीर्वचन हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में भी हमारे परम पूज्य गुरु पीठाधीश्वर जी महाराज, दोनों सत्र में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूज्य भाई श्री का प्रेरित उद्बोधन कल दोनों सत्र में सबको श्रवण करने को मिला। पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज कल सायंकाल उनका आशीर्वाद किया इस मंच के माध्यम से सबको प्राप्त हुआ। आज द्वितीय दिवस में मंच की दिव्यता, मंच की गरिमा और परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की उपस्थिति का सौभाग्य आज पुनः हम सबको प्राप्त है। हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री पूज्यपाद श्री स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज उनके दर्शनों का सौभाग्य हम सब प्राप्त कर रहे हैं। मंच पर गुजरात से स्वामीनारायण परंपरा के बहुत प्रबुद्ध संत और यह इस श्री ब्रह्मवीर स्थान से पूज्यपाल महाराज श्री से के प्रति अत्यंत समर्पित निष्ठा भाव रखने वाले पूज्य माधव प्रियदासी महाराज आज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। पूज्य श्री स्वामी दिवंगत तीर्थ जी महाराज श्री धाम वृंदावन से मंच पर है। पूज्यपाद भारतीय संत परंपरा के गौरव श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज की परंपरा से वहाँ आश्रम से पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं और भी सभी संत सबके प्रति हृदय से वंदन नमन और मंच की तृतीय पंक्ति में हमारे मध्य पूज्य स्वामी संतोषानंद जी महाराज वृंदावन धाम से यहाँ अपने काशी दर्शन करना किशोरी निवास काशी परंपरा का स्थान किशोरी निवास वहाँ के अध्यक्ष पूज्य स्वामी संतोषानंद जी महाराज मंच पर है। आदरणीय अशोक शास्त्री जी भागवत के बहुत प्रमुख प्रवक्ता हैं यहाँ उपस्थित हैं और मेरे संत सबके प्रति हृदय से वंदन नमन। अभी हम सब पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शरणानंद जी महाराज को श्रवण किया। कर्म के सिद्धांत को उन्होंने बहुत सुंदर संक्षिप्त शब्दों में निरूपित किया कि वही कर्म धर्म भी बन जाता है, लेकिन ढंग से न किया जाए तो वही कर्म बंधन भी
बन जाता है और यहाँ की मंच और यहाँ संतों का आशीर्वाद निश्चित हम सबको व्यवहार की, कर्म की एक ऐसी कला सिखाएगा ही, और हम उसी उत्सुकता से हम बैठे भी हैं कि हम कर्म करते हुए कर्म बंधन से बच सके, हमारे कर्म हमारी समस्या न बने, हमारे कर्म हमारे तनाव का कारण न बने। श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग भी इसी प्रेरणा के लिए है कि कर्म मात्र कैसे पूजा बन जाए, कर्म मात्र कैसे योग बन जाए, कर्म मात्र कैसे धर्म बन जाए। गीता का कर्म योग भी इसी सिद्धांत को लेकर है कि कर्म में अहंकार ममता फलेच्छा त्याग करके वही जब कर्म होता है तो वही कर्म मोक्षानुगामी हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं पूज्य संतों के आशीर्वाद के क्रम की ओर। श्री स्वामी खनंद आश्रम से आए हुए पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज संक्षेप में अपना आशीर्वाद। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थितचर विषया वासनास्पर्शशून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं कर्णमिव परं संप्रसादैकृतरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलं विकलं ब्रह्म प्रत्यक् प्रशान्तम् श्री पूर्णानंद नेत्र द्वय रस विलसत पूर्णकारुण्य मात्रम् नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम, मंचस्थ सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम, सब उपस्थित विद्वत वृंद भक्त वृंद एवं भक्ति मती माता, परम पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज हमारे सद्गुरुदेव जो सभी के उपयोगी एक बात कहा करते थे उसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव कहते थे कि शरीर से हम जब साधना कर ही रहे हैं, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो शरीर से जितने भी कार्य होते हैं उसमें सेवा की प्रधानता रखें कि हमारे द्वारा सेवा के कार्य हो रहे हैं कि नहीं। स्वार्थ के कार्यों में तो पूरी दुनिया लगी हुई है, पर अध्यात्म में प्रवेश करते ही हमारी दृष्टि इसी पे रहनी चाहिए कि शरीर से जितना बन सके हम ठाकुर जी की संतों की जो हमारे भगवान सब रूपों में है, दरिद्र नारायण के रूप में आदि आदि योगियों के रूप में जिससे जो सेवा बन सके। और दूसरी बात कहते थे कि इंद्रियों में संयम होना जरूरी है। भगवान ने भी बताया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयमते इंद्रियम। श्रद्धावान श्रद्धालु लोग आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे, पर इसके आगे दो बातें भगवान को इसलिए कहनी पड़ी कि तत्परता श्रद्धा से हम जो श्रवण करें उसको जीवन में उतारने का ये जो प्रयास है वो हम लोगों के द्वारा रहना चाहिए। और अंतिम बात संयत इंद्रिय, क्यों? क्योंकि अगर इंद्रियों में संयम नहीं है, मन में संयम नहीं है, तो किया कराया सब चौपड़। तो दूसरी बात हमारे गुरु महाराज कहते थे कि इंद्रियों में संयम। अब रही बात मन की, तो मन में
हम देखें कि सद्भावना भी आती है और कहीं कहीं पर जहाँ प्रतिकूलता होती है वहाँ तत्काल दुर्भावना आ जाती है। तो प्रयास साधक को यही करना चाहिए कि प्राणी मात्र के लिए मन में सद्भावना रहे। चौथी बात, गुरु महाराज कहते थे कि ये जो बुद्धि है तो बुद्धि में ये जो विचारों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है तो विचारों में परिमार्जन करना है। बुद्धि में सद विचार, सत से, ईश्वर से, संतों से और अपने जितने भी सत्कार्य हैं उससे जुड़े हुए विचारों का ही हमारे बुद्धि में निरंतर प्रवाह बना रहे, इसका प्रयास पूर्वक हम सब लोगों को जो है इसमें ये साधना की ओर से एक विशेष बात महर्षि कहते थे। राज आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे अभी भी आपने सुना, कल भी दो सत्र हुए, उसमें भी आप लोगों को सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो ये बुद्धि का निरंतर परिमार्जन, क्योंकि विचारों में ये जो सांसारिक विचार घर किए बैठे हैं उनको प्रक्षालित करने के लिए बुद्धि में सत विचार, ऋषि के लिए ये सत्संग है। एक संत को पूछा कि जब हमारा जीवन इतना बढ़िया है तो ये प्रतिदिन सत्संग की आवश्यकता क्या है। वो संत पुराने जमाने में खेत में बैठे थे, बगल में ही फूटा था, हथौड़ा भी रखा था, एक हथौड़ा उठा के फूटे पे मार दिया, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वो आया कि महाराज ये प्रतिदिन सत्संग की क्या आवश्यकता है। हथौड़ा फिर उठाया, फूटे पे मार दिया। तीसरे दिन कहा कि आप हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कृपा करके बतावें तो सही कि जब जीवन हमारा इतना ठीक ठीक है तो ये प्रतिदिन सत्संग पे आप क्यों जोर देते हैं। तो बताया कि बेटा मैं तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ। ये जो खूंटा है तुमने देखा, जब ये बार बार चोट लगती है तो अब ये कितना दृढ़ता से जड़ गया है। तो जब हमारे जीवन में ये संसारिक माया जो कि हमको बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है, जब तक हम निरंतर सत्संग, जब तक हम ये जो चौथी बात महर्षि ने बताई कि बुद्धि में सद्विचार, इन सद्विचारों के द्वारा हम अपनी दृढ़ता को प्रतिदिन कुछ न कुछ हम अपना जो भी नियम है, जो भी सद्गुरु ने बताया है वो करते रहे। और अंतिम बात परमपूज्य महर्षि कहा करते थे, अहम में निरह। तो पांच उंगलियां हैं शरीर में, शरीर से सेवा, इंद्रियों में संयम, मन से प्राणी मात्र के लिए सद्भाव, बुद्धि में सद्विचार और अहम में निराहार। क्यों? क्योंकि यदि अभिमान आ गया है तो कहते हैं कि तम गयो रवि उदय से और मोह गयो गुरु ज्ञान। जो अंधकार था वो तो जब भगवान रवि उदय हुए उससे चला गया, और जो मोह था, जो अज्ञान था, वो गुरु के ज्ञान के द्वारा चला गया। कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान, किया कराया सब चौपट यदि अभिमान आ गया। तो पांचवा जो पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिमान न आने पावे, तो यहाँ इस पवित्र स्थली में हम लोग सब ये जो अद्भुत दिव्य सत्र चल रहा है इसमें अपने को अवगाहन करके और कृत्य कर रहे हैं। मुझे अवश्य कार्य के लिए जाना पड़ेगा, क्षमा करिएगा। नारायण 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 नारायण। स्वामी गोविंदानंदी महाराज ने जाने को अपने गुरु निष्ठा, अपने गुरुदेव के वाक्यों को ही यहाँ एक प्रेरणा के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। पूज्यपाल स्वामी
सरस्वती महाराज के परम प्रेरक वाक्य अरंत में किया कराया सर्वियों जवाबे अभिमान, ये कहकर उन्होंने अपने वक्तव्य की पूर्णता की सुंदर उद्बोधन। और इसी क्रम में हमारे परमादरणीय श्री स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज शास्त्री जो विराजित हैं वृंदावन धाम से, पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, जो परमात्मा के रूप में ही इस धरती के ऊपर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, कर्म को अमृत बनाने की विधि को बताने के लिए और भक्ति से भगवान तक पहुंचाने की जो सरल और सुगम विधि है, इन सब विधि को बताने वाले इन महान संतों को मैं हृदय झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आपके वो भाग्य हैं जो रमन रेड्डी में श्री महाराज जी के द्वारा श्री गोपाल जयंती का उत्सव मनाया जाता है। तब पूरे भारतवर्ष के महान तपस्वी दिव्यार्थी देवदेव ईश्वर तुल्य ऐसे महापुरुषों का हम यहाँ पर बैठकर नमन करते हैं। एक एक महापुरुष अपने दिव्य प्रकाश से हमको आलोकित करते हैं। समय को बचाने के लिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, किंतु समय की सबके हृदय में परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बात कह के और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तद सृष्ट्वा तद अनुप्राविशत। वेद भगवान एक बात कहते हैं कि तद सृष्ट्वा, ये पूरी सृष्टि को बनाने के बाद में मैं उनमें प्रविष्ट हो गया हूं। अर्थात संसार के कण कण के अंदर परमात्मा का निवास है, इसके अनुभूति सदगुरु की कृपा से उनको प्राप्त होती है। और ये महान पुरुष अपनी प्रिय वाणी के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा हम सबको कल्याण की ओर ले जाते हैं, हमें पावन करते हैं। दुनिया बनाने वाले परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं,
अनिश्चित स्वरूप हैं। यदि परमात्मा आनंद स्वरूप हैं तो सृष्टि दुख रूप नहीं हो सकती है। हमारी ना समझी, हमारा अज्ञान हमको दुख देता है। परमात्मा की बनी सृष्टि कभी दुख देती नहीं है। और इस ना समझी को, इस अज्ञान को ये महापुरुष अपनी वाणी के द्वारा दूर करके वहीं पर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। एक छोटी सी युक्ति है, क्योंकि युक्ति के बिना तो मुक्ति नहीं मिलती है। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। एक छोटी सी बात है बस, नाव तो पानी में रहेगी, पानी से बाहर नाव का कोई प्रयोग नहीं है। किंतु आप देखिए उस नाव का चमत्कार, बहते पानी में है। तो कहते हैं कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। इसी प्रकार हम अपने इस मन को समझाते हैं कि संसार में मन जाए तो जाए, मगर मन में संसार न आने। छोटी सी युक्ति है बस, हम संसार छोड़कर कहाँ जाएंगे? संसार की बुराई भी कहाँ तक करेंगे? यह घर बनाना बुरा नहीं है, यह रहना भी बुरा नहीं है। केवल रहने की कला सीखनी है, कैसे रहा जाए। और ये कला हमारे सब सदगुरुदेव, हमारे संत महापुरुष इस कला को हम तक पहुंचाते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी, फिर आप कहेंगे वेद पढ़ने हैं, तप करना है, जप करना है, जितना ही आपको वेद पढ़ने में जिस गति और जिस स्थान की प्राप्ति होती है, एक किसान को भी खेती करने के लिए जब हल चलाता है तो उसको भी वही गति प्राप्त होती है। अन्यथा किसान खेती क्यों करेगा? यदि खेती करेगा तो क्या उसकी गति नहीं होगी? जो व्यक्ति को जो कार्य सौंपा है, परमात्मा ने करुणा करके उसी काम के द्वारा ही आपका परमात्मा तक जाने का रास्ता भी बनाया है। फिर और नवीन रास्ता नहीं है, केवल समझदारी की बात है कि मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ मैं जो कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म के द्वारा ही मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये संसार वाकई आनंद स्वरूप रहेगा, हमारे जीवन में से दुख दूर हो जाएगा। वैसे तो हम दुख दूर नहीं कर पाएंगे, किंतु जब समझदारी आती है तो निश्चित रूप से हम भव सागर को पार कर लेते हैं। जिस प्रकार एक कमजोर से कमजोर, एक चींटी भी यदि कोई नौका का सहारा मिल जाए, कोई पुल का आश्रय मिल जाए, तो ये उफनती हुई नदी को भी बहुत सुगमतापूर्वक पार कर लेती है। विशेष पादाम दीर्घ नौका, इस संसार में जब आए हैं एक नौका की आवश्यकता है। अरे हाथ लग जाए, ये नौका लकड़ी की बनी हुई नहीं है, ये नौका हमारे गुरुदेव के चरणारविंदों से बनी हुई है। ये जो सदगुरुदेव के चरणारविंद हैं, यही एक नौका है। जो व्यक्ति उनके चरणारविंदों का आश्रय ले लेता है, एक बार उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, यदि गलती से भी कोई पिपीली का था चींटी यदि नाव में चढ़ गई, भगवान श्री रामचंद्र जी घनघोर जंगलों में घूमते हैं तो इनको कांटे भी चुभते हैं, कंकड़ भी चुभते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा लाओ मैं निकाल देता हूं, कहते नहीं लक्ष्मण, ये तो मेरे ना मेरा स्पर्श करके, मेरे में प्रवेश करके वो तो राम ज्योति बन गए हैं, ये साक्षात परमात्मा बन गए हैं। तो जब एक कांटे कंकड़ भी भगवान का स्पर्श करते हैं और ये राम ज्योति कृष्ण ज्योति बन जाते हैं, उनसे भी बढ़कर तो आप देखिए
श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में जो व्यक्ति एक बार सिर झुका देता है, एक बार के चरणों का आश्रय ले लेता है और अपने जीवन नौका को उनको सौंप देता है, तो याद रखेगा ये ऐसी सुदृढ़ नौका है। इस भव सागर के अंदर भले आपको हिलती डुलती चढ़ती उतराती तो मालूम पड़ेगी कि कोई डूबती नहीं है, ये ऐसी सुदृढ़ नौका होगी जो आपको डूबने नहीं देगी। ऐसी नौका का आश्रय लेना हम सबका परम कर्तव्य है। महापुरुषों के द्वारा हम तरह तरह से जीवन कैसे जिया जाए कला होती है, वो हमको सीखने को मिलती है। छोड़कर कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं संसार है। यदि विश्वामित्र हिमालय की चोटी पे जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि दुनिया छूट गई, मैं तो हिमालय की चोटी पे आया, किंतु हिमालय की चोटी के ऊपर भी कब मेनका उतरेगी और कभी जीवन को बदल देगी पता नहीं लगेगा। कि छोड़ने की बात नहीं होती है, समझने की बात होती है। यहाँ छुटता भी नहीं केवल समझना होता है। जो व्यक्ति समझ के संसार में रहता है वो कभी डूबता नहीं है। और यदि आपको बहुत विश्वास है तो याद रखे विश्वास की नाव कभी डूबती नहीं है, श्रद्धा का दीपक कभी बुझता नहीं है, आशा का आकाश कभी कमजोर नहीं होता है। अब एक बार इन महापुरुषों के वचन रूपी अमृत भरे वाक्यों का आश्रय लें और पूज्य गुरुदेव के चरणों का आश्रय लें, हमारे रमण बिहारी भगवान का कीर्तन करें, यही हमारे जीवन का समर्पण है। और एक बार सच में ही जैसे महाराज जी बोल के गए कि अभिमान ना आए अहंकार ना आए, एक अभिमान केवल ये सदगुरुदेव मेरे हैं रमण बिहारी मेरे हैं, यदि ऐसा अभिमान और ऐसा अहंकार आ जाएगा कि अभिमान और अहंकार भी आपको पार कर देगा। इस संसार में अहंकार मत करिएगा किंतु परमात्मा मेरे हैं ऐसा अहंकार तो कर सकते हैं, श्री गुरुदेव के चरणारविंद का अभिमान तो कर सकते हैं कि मेरी पार लगाने वाली नौका है। तो आप भगवान के प्रति गुरुदेव के प्रति अनंत समर्पण करके अपने जीवन को इनके साथ समर्पित कर देंगे।